मुंडी नीचे करके देखना पड़ेगा तो ऐसा बेटा। सो फाइनली अभी अदनान शेख भी एलबी साधो के रिप्लाई वीडियो का रिप्लाई किए हैं, जिसके अंदर एलबी साधो अदनान शेख को बोल रहे थे कि इसका हाइट छोटा रह जाएगा मेरे सामने। दूसरा, इनके इविक्शन को लेकर बात कर रहे थे एंड और भी कुछ चीजें, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अदनान शेख क्या बोले हैं आप खुद ही सुन लो। मुंडी नीचे करके देखना पड़ेगा तो ऐसा बेटा, और हाइट हाइट वाइट कुछ मैटर नहीं करती, इससे लंबे लंबे को दौड़ाया हूँ मैं, कुत्ता बना के मारा हूँ, बाकी इसको नहीं मारा। ये तो खुद ही बोला था ना, बॉडी वॉडी मैटर नहीं करती है, तो हाइट कहाँ से मैटर करने लगी फिर। नू क्या होती है, टक्कर होता है, एक टक्कर में सीधा उतर जाएगा। यार देखिए, दूर बैठ के बात करना बहुत ही इजी होता है, और एक पतले दुबले को एक कमजोर से तूने यूट्यूबर को मारा था जाके झुंड में, बहुत बार झुंड में ही मारा है इसने। मैंने कभी तेरे को अकेले भिड़ते हुए नहीं देखा, और सुअर की तरह झुंड में जाके एक को मारना समझ रहा, ये एक अलग चीज होती है। आके कभी जैसे कटारिया मेरे आंख पे आ रहा था ना, तू वैसे आके दिखाना, फिर तेरे को धक्का क्या मुक्का भी मारूंगा फिर बेटा। बिग बॉस में रहेंगे ना तभी। नहीं, ये बिग बॉस में होता तो मैं ये बोल रहा, मेरे को धक्के मार के अभी बाहर बिग बॉस नहीं रहेगा, इधर पे बिग बॉस नहीं है, इधर पे रूल नहीं है भाई। जिस तरीके से एलबी साधो अदनान शेख के एक एक बात का रिप्लाई की है, उसी तरीके से अदनान शेख भी अपने व्लॉग के अंदर एलबी साधो के एक एक बात का रिप्लाई की है, और कहीं ना कहीं ये भी बोले हैं कि अगर एलबी साधो उनसे मिलना चाहे तो ये मिलने के लिए रेडी भी है।